मैंने एक बात एक बात नहीं की चुप मैं अपनी खिड़की से बाहर देख के अपने एयरपोर्ट लगाए खानों <laughs> में मैंने कहा मैंने नहीं बात करनी एंड आई थिंक उसके बाद कभी भी ये नहीं हुआ दैट <laughs> वर्क <laughs> yeah, so

है 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 तो तो फिर तो फिर 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 मैंने कहा कि यार दफा करो इसको इसको ये का, पिकार काम काम सो, नहीं, नहीं चाहिए इस बारे में ठीक ठीक तो वो वो जब सोचना छोड़ा गया तो रिलेशनशिप हाँ। से पहले जो प्यार हो जाता ना वो बड़ा ब्लाइंडिंग mm. mm. और जब वो ब्लाइंडिंग है तो उससे जो है वो उट ऑफ गॉगल्स अब वो येगी hmm. है, में, में oh, hmm. right? yeah. लोग बैठे हुए हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको इग्नोर ही किया जा सकता है ठीक है अगर मेरी वाइफ है वो एक काम दस साल से कर रही है वो मतलब मेरे से मिलने से पहले से कर रही है ठीक है इट्स लाइक इफ आए

और बंदे के ऊपर है कि किसने काम करना है किसने नहीं करना घर का खर्चा किसान चलाने आपकी ड्रीम्स क्या है आपने साल में पांच दफा ट्रैवल करने तो उसके लिए बेटे इतना काम करना पड़ेगा अगर एक दफा ट्रैवल करना है तो इतना अगर नहीं करना पाँच सालों में एक दफा करना है तो इतना So you you really have to have these real, real conversations of really? money of how, how how do you want me, me to be with your mother or your family cool. or mm. your sister like have it clear. When clearly hmm. तो ये मसले नहीं आएंगे हुआ है कि जब मैं आमस्टरडेम से निकला पेरिस के लिए तो मैंने कई स्टोरी लगा दी कि मैं जा रहा हूँ पेरिस ठीक है तो जैसे ही मैं ट्रेन से ट्रेन से ट्रेन से उतरा ट्रेन स्टेशन से बाहर निकला तो सामने एक लड़की खड़ी हुई ना और उसने इतना बड़ा गिफ्ट पैक पकड़ा हुआ हाथ में ठीक है तो मैं गया उसमें मिला उसने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट पैक पकड़ाया उसने कहा ये वलिया के लिए आपने लेके जाना है लाजमी साथ वो फैजान को तो मैं बड़े अरसे से जानता हूँ लेकिन भाभी के जब मुझे बताया गया कि दोनों का आपस में शादी वादी हो रही है ठीक <laughs> है तो मुझे ये था कि यार आउटसाइड लुकिंग इन आई गिव यू वेरी ऑनेस्ट पर्सन ठीक है आउटसाइड लुकिंग मुझे ये था कि मतलब भाभी तो जो है वो थोड़ी मुश्किल हो गई यार मैंने कहा थोड़ी मुश्किल हो यार मतलब ये है कि थोड़ा मतलब भरम शर्म हो गया ठीक हमें हमें सादे बंदों को किधर लेफ्ट लेकिन व्हेन आई मेट हर तो इट वाज जस्ट आई वाज कसम से आई वाज लाइक कंप्लीटली ब्लोन अवे नॉर्मल सी है ये तो कुछ ज्यादा ही डाउन टू अर्थ है तो यार मुझे ये बताओ कि लाइक मैं और जोवेया भी एक वर्किंग कपल विद अ चाइल्ड सब कुछ सिचुएशन है इस की एंड आई नो विद एक्सपीरियंस कि कितना मुश्किल काम है रनिंग uh, सच मतलब अब लिटरली मुझे लगता है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ ऑफिस एडोपिया भी है yeah. और ये पॉडकास्ट के मसले भी हैं तो हर वक्त कैसे लगता है आप मैनेजमेंट के हैं mm. आप दोनों की जिंदगी भी आई एम श्योर इट्स वेरी बिजी हम दोनों अपना अपना काम करते हैं और जो कि वेरी डिमांडिंग वे, वे है ऑब्वियसली एंड वर्क आर्स भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि बड़े कोई ऑर्गेनाइज हाँ. हैं या आप ये नहीं कह सकते <laughs> <नहीं। laughs> तो मेरा ये सवाल था कि हाउ डू यू डू इट लाइक वट हाउ डिफिकल्ट इज इट टू मैनेज ऑल ऑफ दिस फॉर मी ऑनेस्टली वन आई वुड थिंक बिकॉज मैं ये काम बहुत पहले से कर रही हूँ एंड फॉर मी वन आई वॉज एन मैरिड एंड आई मुझे कोई नहीं मिला था फॉर मी आई फेट I used to think it's a dream okay. my husband who is so supportive of the kind of work that I do. We when you're an outsider and you look at it, <laughs> you know, you yeah. can be very judgmental about what I do. Or yeah. um, so for me it was like something probably didn't get hmm. so when I found somebody <laughs> who was very supportive and he wanted he was very interested also, and Jesse he was a very He was very, very hands-on full into my videos and my vote.

रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि अब ये एक बंदे का काम रहा ही नहीं है ठीक hmm. है और दूसरी बात ये कि मेरी जब वजीर से शादी हुई तो ये ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी का मेजर पार्ट गुजार चुकी हुई थी इसकी एक पर्सनालिटी है hmm. इसका एक काम है इसकी अपनी फैमिली है इसकी अपनी हॉबीज़ हैं इसका अपना एक सिलसिला है और मैं अगर आके उसके अंदर कहता हूँ कि नहीं ये नहीं करना या ये ऐसे नहीं होगा तो वो इट डजन मेक सेंस तो वो um, मतलब मुझे भी हमेशा से थोड़ा बहुत शौक था प्लस आई लव हर वर्क तो मैंने भी उसका मेरा भी दिल था यार मैं भी उसका पार्ट बनूँ तो वो फिर करते करते फिर एवेंचुअली सिलसिला ऐसा बन गया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने इसकी वजह से किया या इसने मेरी वजह से हाँ। किया ऐसी कोई बात नहीं है मेरा अपना दिल था हमेशा से और वह जब चीज़ नज़र आ जाती है अगर आप सिर्फ हाँ। इस वजह से करते हो या आई थिंक यू लाइक डूइंग आपने बड़े नेचुरली

लेकिन हाँ ये है कि बीच में हम एक टाइम आया था कि हम सिर्फ और सिर्फ काम करते हुए लड़ते थे और लड़ते भी आइडियाज़ के ऊपर थे ये शॉट ऐसे नहीं लेना ये शॉट ऐसे लेना था उस टाइम ये बताना था इस टाइम ये करना था तो उसमें हमारी काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी बट लेटर ऑन आई रियलाइज के यार इस काम में लड़ाई नहीं हो सकती बिकॉज़ वो क्रिएटिव डिफरेंसेस हाँ मज़ा भी तो आना चाहिए ना वो एट द एंड ऑफ द डे अगर वो अगर हम कोई वीडियो शूट कर रहे हैं या कोई आइडिया जनरेट कर रहे हैं और उसमें हमारा उसमें हम लड़ाई कर बैठे हैं और उसमें हमारा दिल ही नहीं कर रहा काम करने का तो इवेंचुअली हम लोग इतने एग्जॉस्टिव एग्जॉस्ट हो जाएंगे उससे हाँ, और वो भी, नजर भी आ जाता है तो वो फिर, it, हमने किया, में ये प्रॉब्लम है। इन्होंने, <laughs> इन्होंने कहा मेरी सुनो बात मेरी बात सुनो काम करने ऐसे नहीं होगा ठीक है ना मैं काम पंद्रह साल से दस साल से कर रही हूँ तो जुम्ह जुमा आठ दिन तो मैं हुए नहीं है <laughs> <दोबा>। <laughs> ना है। मुझे के मैं ऐसे बोला था ये आ, तो मैं चली जाऊंगी या मैं छोड़ दूंगा नहीं। नहीं ये नहीं कहा था I just said ये मेरे से नहीं होगा करना है तो मजे मजे में मतलब If you think about it, kya hai, you just have to have fun. <laughs> 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 Why is that so hard? <laughs> if it's hard, then don't do it. <laughs> ha, so I, I sort of uh, realized that I think we make, I am making it a little more harder more and making it work, work. The, the whole point of ंग नाइन टू फाइव एंड लिविंग ऑल दो मतलब उस, उसका मतलब खत्म हो, हो गया तो फिर ये हाँ फिर मैंने रियलाइज किया कि यार हाँ अच्छा जब मैं मुंह पसोड़ के काम करता हूँ तो

एक चीज़ है कि मेरे अंदर हमेशा जो सीखने वाला कीड़ा था वो हमेशा ही था वो किसी भी चीज़ के अंदर मैं hmm. फुटबॉल ले लो कोई और काम ले लो किसी भी चीज़ ले लो तो वो हमेशा मुझे आई वॉज़ वेरी ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स हर इट वॉज़ वेरी वेरी ईजी एक्चुअली बिकॉज़

मौके पे देख के सारी वाइफ जज करके ये yeah. वो तो आई थिंक शुरू में जब हमने आपस साथ में जब काम करना शुरू किया तो मैंने बेसिकली

मुझे बहुत सी चीज़ें जो आती नहीं है मेरे अंदर yeah, स्किल yeah. कुछ चीज़ों का है ही नहीं yeah. जो कि फैज़ान ऑब्वियसली हैज़ बिकॉज ही इज डन नाइन टू फाइव एंड हीज़ वर्क फॉर सम बड़ी तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप बहुत सी चीज़ें <laughs> ऐसी सीखते हो yeah, 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 yeah. मैं तो बस एक खुली सी फ्री <laughs> सी जो मेरा दिल करता है वो मैं करती हूँ सो ही रियली ब्रॉड दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखा जाएगा अच्छा ये तुम ये इतने पैसे लेती हो हाँ। नहीं ब्रो। <laughs> ऐसे तो नहीं चल सकता ये थोड़ा सा तो हाँ ये मतलब मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था इनफैक्ट बहुत ईजी था और आई थिंक हमने शादी से पहले एक साथ में ड्रामा भी किया था Hmm. तो उससे भी काफी फर्क पड़ गया था उस ड्रामे के दौरान मुझे ये चीज़ समझ आई थी कि यार अच्छा शायद मुझे थोड़ा सा कैमरे का शौक है hmm. और मैं शायद बैक एंड पे काम कर सकता हूँ और मुझे थोड़ा सा उस उधर मुझे लगा था हालांकि hmm. ओवर द टाइम मुझे समझ आ गई कि नहीं ब्रो well, शायद जिसमें <coughs> फैजान जो है वो कह रहे हैं कि वो तो मैं को नहीं वीडियो <laughs> वीडियो यार एक वीडियो है हाँ। ठीक है वो कभी भी पे नहीं, आ सकती नहीं उसमें है, ठीक है, और ये कह रहे हैं उनको यार मैं जब स्टार बनूंगा ना ठीक है मैं जब स्टार बनूंगा मैं तुम लोग को भूलूंगा नहीं तुम लोग नहीं भूलू ठीक है ये कब की वीडियो है

आसानी होगी आसानी हो, हो, हो। नहीं, नहीं मैं भूला नहीं हूं मैं फिर भी ask, <laughs> that's true, that's true. मैं उस पे बड़ी प्राउड हूं बिकॉज़ समटाइम्स आई वुड रीड कमेंट्स एंड हमारे लोग भी तो नहीं छोड़ते जिस तरह आपने जो मेल ईगो वाली yeah, बात की है लाइक इवन दो आप जितना भी कोशिश कर लो कि नहीं मुझे नहीं फील होता प्रैक्टिकली सोच लो यू नो बिकॉज़ वी ही आल्सो नोस दैट

दिल पे ले लेता था मैं चीज़ें ठीक hmm. है जब मैं पढ़ता था इस तरह कि हालांकि यार हम ऐसा क्या ही कर रहे होते थे जिसमें हमें हेट मिलना चाहिए ठीक oh, yeah. है अगर मेरी वाइफ है वो एक काम दस साल से कर रही है वो मतलब मेरे से मिलने से पहले से कर रही है ठीक hmm. है इट्स लाइक इफ आई कम टू द इफ आई कम टू दिन इफ शी कम्स टू दीन एंड शी टेल्स मी के यार भाई आज से फुटबॉल बंद है hmm. तो मैं hmm. कैसा फ़ील करूँगा ठीक yeah. है hmm. और उस पर इसको बातें सुनने को मिले तो मैं कैसा फ़ील करूँगा तो खैर पॉइंट इज के शुरू में बहुत होता था मुझे लेकिन फिर इवेंचुअली मुझे समझ आई कि यार ज़िंदगी मैंने इनके साथ गुजारनी है इन्होंने मेरे साथ गुजारनी है जो लोग बैठे हुए इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको इग्नोर ही किया जा सकता है किसी किसी जगह पे असलाह करनी ज़रूरी बन जाती है <laughs> तो वो हम करते भी हैं और जब भी मैंने असलाह करने की को कोशिश की है ना तो जब भी किसी को हमने बेसिकली um, कोई जवाब दिया है या किसी को किसी से बात करने की कोशिश की है तो उनको वो फिर वो एक बात के बाद एक जवाब एक जवाब के बाद फिर वो कहते हैं सॉरी यार सॉरी सॉरी यार अच्छा। हमने यहाँ वी डिड नॉट मीन दिस वी डिड नॉट मीन तो मुझे यही समझ आती है कि इवन दो कि बहुत लेस देन वन परसेंट लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं या नेगेटिव hmm. कमेंट्स करते hmm. हैं या hmm. हेट देते हैं लेकिन देन अगेन वही लगते भी हैं आपको wow, सब सब ठीक है वही सबसे ज़ोर से लगते भी हैं अब मुझे नहीं फर्क पड़ता ऑनेस्टली स्पीकिंग क्योंकि मुझे लगता है कि यार बस अपना काम करना चाहिए अपना काम पूरा थे। <laughs> did, na, kind of दो लोग हैं जिन्होंने साथ में काम करना है कोई ज़्यादा कोई अच्छा बुरा वो ऐसा नहीं होता एक चल सके हमारा सिस्टम हाँ हाँ एग्जैक्टली exactly यार मतलब जिंदगी हम दोनों ने साथ गुजारनी है तो इतना परेशानी क्या लेने की जरूरत है किसी एक बंदे की बात पर या कुछ करने की बात पे और ये तो मैंने देखा है कि भाई आप कुछ भी कर लो हमेशा मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि अब जितना मैं फुटबॉल में कर रहा हूँ मेरा नहीं ख्याल कि मैंने ज़िंदगी में इतना टाइम किसी को दिया है या मैं जित जितना मैं ऑनेस्टली किसी और चीज़ के साथ वो कर रहा हूँ जितना मैं फ़ुटबॉल में कर रहा हूँ उसमें भी लोग हमें सुना जाते हैं बातें यार हालांकि सब कुछ दे दिया हमने उस चक्कर में लेकिन उसमें भी हमें बातें सुनने को मिल जाती हैं फिर ये तो चलो एक वो डिफरेंट कहानी है नहीं आई एम श्योर कि ये आ, मतलब वही वाली बात है कि

ये एक यूनिट है और mm. आप साथ लेके चल रहे हैं फिर गेम जो है ना वो बड़ी डिफरेंट हो जाती है लाइक जस्ट चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव मुझे ये बताओ कि जब तुम लोग की शादी वादी हुई ठीक है? <laughs> है शुरू शुरू में शुरू शुरू में ठीक है लाइक वट हैपन्स राइट आफ्टर मैरिज लाइक हाउ इज़ हाउ डू दैट थिंग्स चेंज राइट आफ्टर मैरिज Did you experience that? यार मैंने में मुझे तो समझ लो कि डायरेक्शन से मिल गई जिंदगी में जब मेरी शादी होगी उससे पहले हम आवारा लोग होते थे आपको पता ही <laughs> कभी कहाँ घूम रहे कभी कहाँ घूम रहे डायरेक्शन नहीं थी बेसिकली और जिंदगी में ये ने भी बहुत थे ऑनेस्टली स्पीकिंग ठीक है ना बिल्कुल बिल्कुल पॉडकास्ट होगी तो आई थिंक उसमें आपको बेसिकली मुझे तो ये समझ आई कि यार डायरेक्शन मिल जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और वाकई में जो एक कहते हैं ना कि शाम को घर जाना और लुक फॉरवर्ड करना घर को वो मुझे समझ आई कि, कि किसको कहते हैं hmm. क्योंकि उससे पहले हमें ये होता था कि हम घर टिकते नहीं थे hmm. हमें हमेशा अच्छा यार उधर कुछ हो रहा है उधर पहुंचना है कोई फोमो हो रहा है अच्छा ये हो रहा है उधर जाना था ये करना था वो करना था तो उसके बाद आपको समझ आ जाती है कि यार ये ज़िंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हमने बनाई हुई और वो वो शादी के बाद ही मुझे मुझे तो शादी के बाद समझ आई है हाँ वही बात Mm. After my Honestly, मुझे, uh, थोड़ी कम एक्सपेक्टेश like, <laughs> oh <laughs> <very handy experience. laughs> like, मजा तो नहीं आना क्या no okay. so kind of, no हाँ मुझे नहीं लगता कोई बहुत है कम ही देखे होंगे में honestly like कुछ ही examples नहीं set हुई नहीं हाँ बहुत कम like my नाना नानी <laughs> वो <laughs> इतने तो बहुत कम लगा like लेकिन probably count them तो मुझे था कि अच्छा सही है देखेंगे but I was very pleasantly surprised कि हर वक्त का एक fun है it's like a sleepover <laughs> every, day every day, and you're just constantly having fun and then working also together so मेरे लिए तो एक बहुत ही अच्छा सा and it मुझे. really worked out for us in a very great way क्योंकि I think जब

earlier you were more in financially independent क्योंकि get का ka मतलब जो पाकिस्तानी pakistani होती hote वो bollywood breeding mm. wo sab kuch and flana mm. and then all of that comes crashing yeah. down kyunki woh reality hota aur you hear it over and over and over, <laughs> and over again <laughs> ke jo hai na matlab ye ho raha hai aur phir wo matlab nahi waisa nahi hua especially why was it different for you main bhi ek time pe i used to want this big, fat, दोस् थिंग डोंट रियली मैटर और अगर दिमाग ख़राब हो रहा है एक रिलेशनशिप में ऑबियसली वी लर्न अलॉन्ग द वेज अ फ्यू पीपल लर्न के भाई नहीं देर सो मैनी थिंग्स जो ज़्यादा प्रायोरिटी पे हैं जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं और वो मुझे ऑनिस्टली लग रहा था कि बड़ी मेरी अन रियलिस्टिक्स की बन गई हैं एंड वो आई वुड हेयर ऑल्सो एंड ऑल्सो जो मैं काम कर रही थी उस टाइम पर लाइक यही काम कर रही थी बट पीपल वुड काइंड ऑफ मेक इट लुक लाइक ये कोई समझ नहीं सकता तुम्हारा काम आई वुड हेयर अ इवन लाइक like, मेरी अपनी फैमिली से आए वो थे दैट लॉर्ड तो मेरे दिमाग में मेरे ख्याल से एक बन गई थी चीज़ विट माई नॉट बी ट्रू पर मुझे लगता था कि मुझे कोई ऐसा नहीं मिलने लगा जो जो अंडरस्टैंड करेगा शाहरुख खान आए ये थिंक मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो वैट वॉज वाई वॉन्ट इट तो आई वॉज सही है वो मुझे नहीं मिलता तो आई डोट एनी बरी तो मैं खुश थी तो यू आर हैप्पी या लेकिन फिर तुम्हें मिल फिर मुझे, तो मुझे एकदम से मुझसे आपने ये सवाल नहीं पूछा <laughs> 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 नहीं आप नहीं शायद इसके जवाब बाद आपको सारे पहले से पता है नहीं आप 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 मुझे बता दें <laughs> आपका तो वैसे ही यार बस मैं पॉँए, एक पॉइंट पे आ गया था कि मुझे ये था कि यार मैंने अब व्यास के चक्कर में नहीं पढ़ना क्योंकि उससे पहले मैं दो तीन दफा पढ़ा था

एंड आई फील रियली लकी यार बिकॉज शी अंडरस्टैंडस कि भाई आम, शौक है इसको मेरे से पहले का ये इसको शौक है hmm. और ही वॉन्स डू समथिंग विद इन द कम्यूनिटी फॉर द कंट्री एक ऐसी चीज़ को ले कर जिसका कोई स्कोप नहीं था या कुछ नहीं है लेकिन फिर भी ये लगा हुआ है तो शी काइंड ऑफ काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि यार एक पैशन है hmm. लड़के का तो उसको उससे मतलब ये नहीं करना चाहिए कि नहीं ये है वो है फ्लाना तो ये बहुत बहुत हद तक अंडरस्टैंड करती है सारी चीजों को और बेसिकली मुझे पुश भी करती है कि उस डायरेक्शन में मुझे काम करना चाहिए बट 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 डोंट डोंट यू यू गेट फ्रस्ट्रेटेड लाइक मतलब जब वो घर ही नहीं आता example, तो तो आता अगर फॉर एग्जांपल बहुत है तो हाँ। uh, <laughs> uh, <laughs> <laughs> मैं होती <laughs> <बना>। बट आई डोट नो इफ दस जिस लाइक औरतें ऐसी होती आई डोट नो बैजान कैन नॉट लाइक फेजान कैन ओनली थिंक अबाउट वन थिंग आई वॉन्ट आइन एंड आई टेल हे ऑफिन कि भाई थोड़ा सा बैलेंस थोड़ा सा हमारा ये भी चल रहा है थोड़ा सा वो भी कर लो लाइ आम ऑल फॉर इट वो जरूर करे इज इज़ पैशन आई लव दैर इज सो पैशन इट अबाउट इ वो जरूर करे बट देन ही कैन ओनली थिंक अबाउट दैट फॉर मंथस सो आई डोट अंडरस्टैंड कि हाउ कैन यू नॉट लाइक थिंक अबाउट कुछ और भी थोड़ा बहुत not asking for a lot yeah the problem achara, I'll, I'll tell you something so yeah. basically uh, it's my vision right and i cannot trust people with mm. my vision uh, exactly mm. or vo some jhana or vo cheese direction mein is a very difficult thing especially in the start mm. once द फाउंडेशन इज सेट उसके हुँ। बाद इजिल आप मैनेज कर सकते हो हाँ। बिकॉज जब तक, तक आप लोगों को ट्रेन कर चुके हुए तब तक, तक, तक लोगों को पता है कि क्या करना है क्या आ, नहीं लेकिन करना लेकिन जब तुम इस फेज में हो तो तुम अभी इस फेज में हो ठीक है तो तुम्हें जो बाकी चीजों की इंपॉर्टेंस है वो नहीं नजर आती नहीं या। या वो उसको ओवरटेक कर लेती मतलब कर सकती है इट्स ओके लाइक अगर तुम्हारा पैशन है तो पैशन है मैंने देखा है जैसा तो मतलब हमारे एक दोस्त है वो कॉफी की कार्ड हैं उसकी बीवी की एग्जैक्ट ये कम्प्लेन है मतलब अब मुझे नजर आते लाइक एक साल में जहाँ पे वो है आज से पांच साल right? लेकिन अब वो उससे नहीं बैलेंस हो रहा तो तुम्हारा भी यही नहीं नहीं यार अब मेरा नहीं ख्याल उसकी वजह ये है कि मैं काफी टाइम से ये काम कर रहा हूँ और ये जो सिंस मेरा जो स्टार्टअप है उस अब जब ये लॉन्च हुआ है तो ये मसला थोड़ा सा आना शुरू हुआ है उससे पहले ये मसला था I wouldn't say कि मसला है ये। नहीं मतलब उससे पहले ये ये। इसका नोट उससे पहले you think that multi task में नहीं कर सकता था या कुछ ऐसा थोड़ा वो मतलब हाँ फिजान जे like it's not a bad thing। हाँ हाँ व्यूसेस्ट इट्स फोकस्ड। हाँ मैं बहुत scatterbrained हूँ तो मैं ये भी सोचूँगी मैं ये भी सोचूँगी मैं ये भी सोचूँ वो अपना फुल टाइम आई नो वो बैठा भी होगा टीवी देख भी रहा है बट हिज दिमाग इज लाइक थिंकिंग तो कोई बात और बात याद आ जाएगी किसी को मैसेज करेगा वो तो मुझे बस कभी कभार होता है कि फिट है यू डू दिस मोस्ट डेज बेस्ट है बट <but> कभी <laughs> कभार <ख़बार, laughs> you know, तो घर जाना चाहिए <laughs> नहीं यार मैं मैनेज कर रहा हूँ आई थिंक देख 18 के एंड 18 के एंड पे मैंने चार साल उस टीम को बड़ा बड़ा फोकस काम किया और इस इस पॉइंट पे पहुँचाया कि अब अगर मैं ना भी जाऊं तो काम चल सकता है वहाँ पे ठीक mm. है mm. ऐसा ही है mm. तो फुटबॉल फैक्ट्री को भी मुझे लगता है कि शुरू में मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और एक पॉइंट आ जाएगा ऐसा कि मैं ना भी जाऊं तो काम yeah. चलता रहेगा yeah. हाँ लेकिन ये बात इसकी ठीक है कि मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं घुस जाता हूँ एक चीज़ के अंदर और फिर जब तक वो हो ना जाए और बिल्कुल परफेक्ट ना हो आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल ऑफ लेगेसी कप जो हमने भी करवाया वो वो जो पूरा एक महीना था वो वलिया तंग थी सेमेंटली एक्चुअली वो नहीं थी मैं तंग इससे थी कि जैसे लेगेसी कप खत्म हो गया आई वाज लाइक फिट हो गया wow. मतलब इतना अच्छा हो गया यू नो लाइक होप प्रोबब्ली नाउ ही इज गोना टेक अ फ्यू डेज ऑफ

Yeah. <laughs> <laughs> like if I explain to him that this is the what I don't like, mm. then I will see that over some time improvement that he will work on it. Mm. Which I'm probably not as good at. Yeah. God he conflict.

कि मैं मुझे बड़ा शौक शौक तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन मैं जो सल्क करना है ना वो हाँ कि मैं कहूँगा <laughs> <नुँँ। laughs> और वो बड़ा वो इत, इस हद बड़ा टॉक्सिक हो गया था इस तक कि वो ख़त्म ही नहीं होता है। था। <laughs> और एक एक ही भी होता है <laughs> <laughs> तो हाँ मतलब शुरू में मैं ये करता था कि सल करना और एक चीज़ को लेके बैठ जाना लेकिन आई थिंक वो ओवर द टाइम इसने भी मुझे एक बात समझाई मुझे खुद भी ये बात समझ आई तो मैंने अगर को कोई चीज़ समझानी हो तो फिर हम बैठ के बात ही करते हैं और हमेशा यही होता है कि इसको नहीं इस बात है। है। तो ये फनी सब <laughs> okay. so, ये चल रहा था ठीक hmm. है अब मसला इस बात का होता था कि असल गलती क्या होती थी किसकी होती वो थी वो रह जाता था hmm. बात इस पर मुझे गुस्सा आता रहता था इसमें डिफरेंट तरह डील करती हूँ मतलब मैं नहीं सल्व करती मेरा नहीं ख्याल मैं सल्व करती हूँ मतलब मुझे होता है बस आगे चलो यार मतलब तो फैजान अब सल था ना मैं तो बहुत गुस्सा होती थी तो एक टाइम फैल दैपनी में कहती थी यार ये मुझे नहीं पसंद नहीं सही हो रहा उतना एक दफ़ा हम लाहौर से वापस आए थे हाँ लाहौर में किसी बात पे लड़ाई हुई मैंने तो उस दिन कहा अब जो हो मैं नहीं बात कर रही भाई जो जो हो जाए मानना <laughs> तो दूर की बात मैंने कहा आई विल डू वी डज तो मैं हम साथ आई होल चार पांच घंटे जब हम लाहौर से चले हैं फिर हम ऑल दो आए हैं फिर हम घर आए हैं मैंने एक बात एक बात नहीं की चुछ। चुछ। मैं अपनी खिड़की से बाहर देख के अपने में ने ने मैंने कहा <laughs> yeah, so so like, मतलब तो करने वाली बात है और उसमें ये कि जितना जल्दी ये नहीं है ऐसे नहीं करना या मैं

<laughs> तो मैं आज कहता हूँ यार बस मैं कह रहा हूँ ना मुझे ज़्यादा पता है hmm. मतलब मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ना तो मैं उसको लॉजिक नहीं दे रहा या कोई hmm. रीजन नहीं दे रहा या कोई समझा नहीं रहा कि भाई क्यों तो मेरे अंदर ये था कि यार मैं कह रहा हूँ ना मैंने मतलब जेन में मैंने सोचा होता था उसका रीजन लॉजिक सब yeah. कुछ लेकिन इसको मैं बताते हुए शायद थोड़ा सा वो जाता कि यार बस मैं कह रहा हूँ ना बस आप समझ लो मैं कह रहा हूँ ना मैं, मैं कह रहा तो ऐसे किसी बात को नहीं सुन सकती मतलब मुझे समझाओ कि क्यों नहीं अगले ने अगले ने वो मेन uh, के बारे में कहते हैं वो सब कुछ सोच चुके होते हैं ठीक है बस थोड़ी बात कर रहे होते हैं लेकिन ऑब्वियसली वुमेन नीड दैट एक्सप्लेनेशन व्हिच इज फाइन बट वो होता है यार कि वो टाइम जाया करने वाली बात होती है बड़ी दफा के यार यू नो पूरा खोल खोल के बताएं अच्छा तुम लोगों को तुम लोग को फैन शैन से कोई आई डोंट थिंक वैसे तुम लोगों को प्रेशर फील होता होगा लेकिन होता है प्रेशर एज इन एज इन एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर लाइक लाइक ऑब्वियसली दे कमेंट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ और यू लुक अंकल कभी कभार तंग होता है कभी कभार ऐसे hmm. थोड़ा बहुत <laughs> I think their day. They. So if I'm वैसे ही नॉट फीलिंग वेरी वेल या मुझे कुछ मसले तंग कर रहे हैं होता रहता है तो फिर मुझे वो तंग करेंगी बात है If I'm generally in a good place in life, I wouldn't really. How do you, care. how do you connect with them though? Like, it's how, <laughs> how do you know what? That you're making content rahe or not uh, Like, I understand that likes or views are but like, like, would you? How would you define your brand? But who who are you as an influencer? What are you kya Don't know we, So it's me. funny, but Because... now I've been here so long that it's like every phase of my life, right? Yeah. So it's. डिफिकल्ट राइट नाउ मतलब आज का मेरा एक ऐसा टाइम चल रहा है कि आई एम ट्राइंग टू थिंक अच्छा मतलब मैं क्या मैं वही चीज चिलाना चाह <laughs> रही हूँ इतना टाइम चल रही yeah. है डू आई वॉन्ट आ शेयर एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ एंड देन द इंस्टाग्राम के भी एकदम चेंज होता रहता है सो दिस इट्स बिकम वेरी लाइक वो जो जिस तरह टिक टॉक वाला स्टाइल <laughs> है ना बीस बीस सेकेंड का बट दैट डजेंट रियली वो जो आपके एक्चुअल फॉलोअर्स हैं जिस तरह मेरे पहले मुझे फील होता था कि आई हैव दिस फैमिली पीपल दैट कनेक्ट विद मी पीपल दैट काइंड ऑफ नो एंड दे रिलेट टू माई लाइफ एंड इसलिए दे फॉलो मी नाउ इट्स बिकम मोर ऑफ जिस तरह हम भी कॉन्टेंट देखते हैं वी yeah. डोंट इतना कॉन्टेंट है कि हम बस गुजर जाते हैं हम दिखते तो नहीं है कि कौन है ये क्या है सो मैं कहीं इसके बीच में थोड़ी सी आई डोंट रियली लव आई एम नॉट इन द प्लेस वाई आई लव सोशल मीडिया नाउ बट मे बी आई नीड टू स्टार्ट यूट्यूब और बिकॉज आई फील लाइक वो जो बीच में आया था ट्रेंड की छोटी छोटी वीडियोज़ अब आई थिंक दैट नीज टू गो और वो चला जाएगा प्रॉबली दिस ईयर या बिकॉज उससे आपका लिंक नहीं बन रहा ना फॉलोअर्स से एंड योर फॉलोअर्स आर काइंड ऑफ मिसिंग आउट बिकॉज वही कॉन्टेंट है इतना ज़्यादा जो किसी का भी देख लें दुनिया में वैसा ही यू आर नॉट रियली स्टैंडिंग आउट फ्राम एनीबडी एल्स बिकॉज इट्स जस्ट बीस बीस दस दस सेकेंड में आप कितना ही कोई यू नो हार्ड फिल्ड कॉन्टेंट बना लो

i'm all about <laughs> but then it's not on yeah, what i think about yeah. only then so i think i just kind of want to take them along with me Or should mein mujhe lagta tha life key journey my followers that i really feel like i make content for are the ones who mujhe follow so Achha. they've kind of seen me through highs and lows and seen ke kya thi and what i wanted to be and then that kind I of journey that, that yeah. kind of became that yeah. सो आई फील आई मेक कॉन्टेंट फॉर दैम जस्ट टू कैन ऑफ शो के इट इज़ पॉसिबल तो मुझे ये बताओ कि जब स्ट्रीट्स पे तुमको फैन शैंस मिलते हैं कोई उस पर कोई मोमेंट कोई बुरा फनी फनी होते हैं यूजली इट्स वेरी स्वीट यूजली इट्स वेरी स्वीट फनी एक दफ़ा हम लाहौर में थे फैजान के साथ ही एंड देर वॉज दिस गाय ऑन अ बाइक जो फ्लैश चला के हमारे साथ साथ बाइक चला रहा था

मैच देखने गए हुए मैच देखने गए हुए थे हमारा फ़ोन शोन बंद हो गया इंटरनेट बंद हो गया तो हमने कोई स्टोरी स्टोरी काफी टाइम से नहीं लगाई हुई थी ठीक है तो जब जब हम अपने होटल के बाहर आए तो वहाँ पे कपल बैठा तो हुआ था वो ये हम आपकी हमने बेसिकली आपकी किसी स्टोरी के अंदर जगह देखी ठीक है और हमें समझ आ गई कि आप लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और हम पिछले दो तीन घंटों से यहाँ पे आपका वेट कर रहे हैं तो अच्छा मिल क्या करते हैं क्या करते हैं जब हम उमरा पे गए थे तो हमारे लिए पूरा खाना बिरयानी रायता

और हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे मतलब मालफी में कौन हमें मिल जाएगा और लिस्बन चिस्बन हमें पैरिस में हमें बिरयानी में लिया तो एक बंद बन, बंदी ने खैर उस पिछली दफ़ा भी मैं उससे मिला था जब मैं गया था और वो वलिया की बहुत बड़ी चाहने वाली थी अब तो दोस्त बन गई है तो वो भी उसकी भी एक मजे की कहानी है कि बेसिकली हुआ ही है कि जब मैं एमस्टरडेम से निकला पेरिस के लिए तो मैंने कहीं स्टोरी लगा दी कि मैं जा रहा हूँ पेरिस ठीक है तो जैसे ही ट्रेन से ट्रेन ट्रेन से उतरा ट्रेन स्टेशन से, से, से बाहर निकला तो सामने एक लड़की खड़ी हुई ना और उसने इतना बड़ा गिफ्ट पैक पकड़ा हुआ हाथ में ओ भाई, है। उसका, फेदा, फेदा, तो मैं गया उसमें उसने उसने मुझे वलिया के लिए आपने लेके जाना है लाजमी मिलते हैं फुटबॉ वाला सीन शुरू हुआ है मुझे बहुत आती है जो कहती है मेरा बेटा फिजान का बिगेस्ट फैन है दे 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 मेरी अम्मी कहीं गई और अम्मी वापस आके कह रही कि आई थिंक वो भी अपने किसी फॉलोअर से मिली थी और वो कह रही थी कि मेरा बेटा फिजान का सबसे बड़ा फैन सब है सब और उसने मिलना है किस भी करके so... सो फैजान लोकल स्लेब yes. <laughs> अच्छा मैं अब फाइनल सवाल के ऊपर अपने जा रहा हूँ ठीक है अरे अलहदा अलहदा पूछूंगा सही है सिर्फ ये है कि इफ समन इज लुकिंग फॉर अ पार्टनर इन पाकिस्तान What do they like, look for as a girl and as a boy? Uh, so many things. But top three, top three. Babe, you start. Never. No. Hmm. Hmm. Yeah. Like yeah. as a guy. <laughs> How? Are you, what you What are you looking for in a wife? Yar, yeah, I think. Uh, yeah. Um, I'll be very honest. I ha, honest to think here. about my Theke. three things. Hmm. Number one is that. आप ही की नहीं आपकी फ़ैमिली की भी क़दर होनी चाहिए मतलब फैमिली ओरिएंटेड लोग होने चाहिए ठीक है और दूसरी चीज़ आजकल थोड़ा सा मसला ये है कि मुझे ये लगता है कि पता नहीं मुझे बात करनी चाहिए नहीं करनी do it, do it, it, do it, do it. लेकिन आम, आम, ये लड़कों का एक इशू है कि आजकल खैर जो हालात भी हैं वो भी ऐसे ही हैं तो मतलब कि कैसे मैं ये बात कहूँ टू अंडरस्टैंड कि ये दो लोगों का काम है hmm. ये एक बंदे का काम नहीं है और उसमें ये काफ़ी सारे मसले हमने देखे हैं मैंने लोगों के अंदर देखे हैं कि यार वो मतलब उस चीज उस बंदे को दूसरी लड़की लड़की को ये बात रियलाइज होनी चाहिए hmm. कि यार मेरा भी इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इसके अंदर मैंने घर बैठ के सिर्फ घर नहीं घर नहीं चलाना मैंने hmm. मैंने मुझे भी हाँ एग्जैक्टली ठीक है तो वो भी मतलब ये इट्स अ टू वे रोड मतलब इसमें दोनों लोगों को दूसरे बंदे को ये बात रियलाइज होनी चाहिए कि यार मैंने जाके घर नहीं बैठ जाना मैंने मुझे तो भी काम करने की ज़रूरत है ठीक है और तीसरी बात आई थिंक उससे रिलेटेड है दूसरी बात से कि कोई कोई नहीं नहीं आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोई एम्बिशन uh, होना चाहिए कोई लाइफ में कोई गोल्स होने चाहिए लाइफ में कोई हाँ, चीज थोड़ा होनी चाहिए करने हाँ। की वो होनी चाहिए क्या आ, आगे बढ़ने की हाँ थोड़ा आगे बढ़ बेसिकली एम्बिशन होना चाहिए गोल्स होने चाहिए किसी चीज की किसी टू मतलब कोई डेस्टिनेशन की तरफ हाँ exactly, एग्जैक्टली exactly, exactly, एग्जैक्टली कोई गोल्स होने चाहिए That's true. I think for me also, जो इन्होंने मेल परस्पेक्टिव दिया मैं तो कभी वो उस तरह से सोचा नहीं बिकॉज शुक्र है कि मैं इतनी औरतों से ऐसी नहीं मिलती जो कहती हैं कि हम घर बैठे हैं और हमारा भैया हमें पैसे कमा के दे mm. बट बात सुन के मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ होती हैं ऐसी भी जब दूजे से वोना से टैट होम है बट मुझे भी यही है कि आई फील लाइक आई शुड बी ओपन टू द आइडिया दैट यू हैव ड्रीम्स एंड यू हैव गोल्स एंड यू विल वर्क टूवर्डम एंड ही शुड बी सपोर्टिव इन दैट एस्पेक्ट कि आपकी एक अपनी लाइफ है लाइक ही सैड एंड ही शुडेंट बी कंट्रोलिंग ऑफ दैट

And, um, um, वो ही कि अपनी मेल ईगो थोड़ी सी कहीं कहीं साइड पे रख सकें <laughs> थोड़ा सा कहीं कहीं लाइक like, हर जगह नहीं कह रहे करने को बट कहीं कहीं ट्राई टू अंडरस्टैंड के बिकॉज आजकल जो टाइम है औरतें बहुत पैसे कमा रही हैं

वो ही नहीं है गुड आंसर्स वेरी मैच्योर आंसर्स आपको क्या लगता है yeah. <laughs> <laughs> आप आपके ख्याल में ऐसा क्या होना चाहिए यार uh, मेरे तो थोड़े ज्यादा खुले ख्याल आते हैं hmm. <laughs> मेरा यार ये कि uh, मैं बॉय पर्सपेक्टिव भी बता सकता हूं लेकिन uh -huh. hmm. बॉय पर्सपेक्टिव में यार क्या आई थिंक एक तो रिलेशनशिप से पहले जो प्यार मोहब्बत हो जाता है ना वो बड़ा ब्लाइंडिंग है ठीक hmm. है और जब वो ब्लाइंडिंग है तो उससे जो है वो डिसीजन आप सही नहीं ले सकते yeah. तो मेरा ये, को तो सबसे पहले पहले इतना अवेयर हो mm. mm. गॉगल्स हैं है, जो सात आठ महीने में साल में फेड आउट कर जाएंगी एंड देन बी बैक टू यू आर राइट और ये लड़कों में ज्यादा होता है mm. लड़कियों में भी होता होता है लेकिन मतलब दोनों कहलोचन मैं उसमें नहीं कह रहा ठीक है

पांच दफा ट्रैवल करने तो उसके लिए बेटे इतना काम करना पड़ेगा mm. अगर एक दफा ट्रैवल करना है तो इतना अगर नहीं करना पांच सालों में एक दफा करना है तो इतना जब वो क्लियरली हो जाएंगे mm. तो ये मसले नहीं आएंगे बेसिकली mm. mm. आपको पता होगा कि यार अच्छा ठीक है मेरे से ये एक्सपेक्टेशन है होता गया कि वो बताई नहीं जाती और जो शादी से पहले वाला सारा चक्कर चल रहा उसमें था। बस लाला एंड हाँ, लाला, हाँ, exactly, शादी exactly. कैसी कितनी बड़ी होगी और लोग कितने <laughs> आएंगे आई थिंक दैट

हमारा पर्सपेक्टिव क्या है ज़िंदगी के बारे में हमने बड़े बड़ी डायरेक्ट बात की थी बैठ के हमने कहा था यार हमने yeah. आई exactly. स्प, हाँ सेप्टेम्बर में हमारा सिलसिला कोई सीन सीन ऑन हुआ फेब में हमारा निकाह हो गया तो एक तो, मत, मतलब निकाह हो गया तो उससे पहले ऑब्वियसली इसका मतलब बात पक्की हो गई टाइम लगा उसमें भी ये वो तो उसकी वजह यही है कि हम लोग बहुत क्लियर थे इन टर्म्स ऑफ हमने आपस में बात कर ली कि अच्छा यार मैं ये चाहता हूँ ज़िंदगी से आप ये चाहती हो ज़िंदगी से क्या हम अलाइन कर सकते हैं ये मेरे नोगोज़ एरिया नोगो एरियाज़ हैं ये आपके नोगो एरिया हैं और उसके अलावा ये है मेरी प्रायोरिटीज़ ये हैं आपकी प्रायोरिटीज़ और इस तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरा घर चले इस तरह से ये चाहती है कि इसका घर चले तो वो बहुत पिटी मच क्लियर हो गया था एवरी

और वो द रियल डॉग नेवर रियली हैपन्स एंड दैट हैपन्स लाइक टू डेज आफ्टर द वेडिंग कैच आप हो गया उनकी करना Which is the worst way to go into a marriage, oh, oh. I think. And I feel so, like ये जो बड़ी-बड़ी weddings बड़ी हैं, इनके बीच में ही बहुत मसले आ जाते हैं। हाँ। ah. लड़ाइयाँ बंगे बन जाए। I'm sure because इतनी ज़्यादी चीज़ें हैं और so तो much money that has to go in it. I'm sure that. Yeah, and so many people have to यू नो बी केप्ट हैप्पी कि यार वो खाला के तय के चाचू को ने सही तरीके से नहीं पूछा है। इस बंदे को पहले क्यों बुला लिया उसको क्यों बाद में बुलाया यू नो सो वो भी बहुत एंड आई एम आई एम सो हैप्पी मैंने भी uh, मेरा भी एक फंक्शन था और तो मेरा थोड़ा सा बड़ा था तुम होगा तुम तो? उससे भी छोटा था mm. तो आई थिंक मैं तो बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ इसमें कि यार, you know, आज से मेरे माँ बाप कहते हैं यार मैं तुमने हमारे गेस्ट का भी ख्याल रखा तुमने सब कुछ किया ये वो फलाना मैंने कहा mm. एक एक ही एक ही, एक ही इवेंट था उसी में डांस भी हो गया mm. उसमें भी उसमें एग्जिट भी हो गया सब हो गया मतलब और एवरीवन वाज हैप्पी गोइंग होम एट 10 11 पीएम हाँ. मतलब यू नो सो द थिंग इज कि आपके जो तो गेस्ट हैं उनको भी हर्जियत नहीं देनी hmm. सही है अब बूढ़े बूढ़े यार अंकल सब सारे आते हैं वो सू रोड फलाना ठंड इतनी ज्यादा होती है सारी शादियां दिसंबर में होती हैं या जो भी नवंबर दिसंबर hmm. में होती हैं

लेकिन मैंने और इसने दोबारा क्लियर लिया आप उसमें ये बात कर ली थी कि भाई घर चलता है आधा आधा ठीक yeah, है कि जब हमारी शादी हुई थी हमने मूव इन किया हमने एक महीने का रेंट दिया एक महीने की सिक्योरिटी दी और सब कुछ करने के बाद आई थिंक मेरी जेब में कोई चालीस पचास हज़ार रुपये थे और वलिया की जेब में कोई सत्तर अस्सी हज़ार रुपये थे, थे <laughs> टोटल hmm. और हम बस फिर उसके मतलब मंथ टू मंथ चेक This पे चल start, रहे थे लेकिन फिर वही वाली बात है कि हमने साथ में काम किया हमने साथ में चीज़ें बैठ की और उसकी कदर भी होती है और फिर हमने उसको उसी तरह उड़ाया भी अपने ऊपर ठीक है तो वो उसका मतलब ये है कि वो अपनी जेब मतलब से आया खुद किया हाँ खुद किया हम लोगों ने तो अलहदुल्लु मजा आया उसका यार। Thank you so much, guys. We have already done 55 minutes, so wow. thank you so much for coming. Thank you coming for having us. And bon mazaa hai mujhe. मेरी कुछ burning questions भी answer हो गए. आप how was it for you? A lot of yeah, fun who actually. Who have you bank account in?